أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह मायदा की 53 नंबर आया मुबारक से पढ़ेंगे। आठवां रुकू चल रहा है सूरह मायदा का। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वयकूलुल्लज़ीना आमनू अहाउलाइल्लज़ीना अक़समू बिल्लाहि जहद अईमानिहिम इन्नहुम लमअकुम हबितत अमालुहुम फअसबहू खासिरीन। पीछे जिक्र हुआ उन लोगों का जिनके दिलों में निफाक की बीमारी है, मुनाफ़क़त पर उनके ख्यालात और नज़रियात कायम हैं। ज़ाहरी तौर पर मुसलमानों के साथ हैं लेकिन दीगर दुश्मनाने इस्लाम के साथ भी गठजोड़ पूरा के पूरा है, और उनको ख़दशा ये है कि मुसलमान अगर हक पर ना हुए तो फिर हम किधर जाएंगे। यानी इस्लाम के हक होने का उनको यकीन नहीं है, एतबार नहीं है, और इस्लाम के साथ वो मज़बूती से कायम नहीं है। कभी इधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं। उनका ज़िक्र हुआ कि वो सूरत हाल ऐसी है कि उनके दिलों के अंदर बीमारी मौजूद है, और अल्लाह तबारक व तआला को ऐसे लोग पसंद नहीं हैं। इसलिए अहले ईमान को ये हुक्म दिया गया कि वो अपने अहले ईमान के साथ राजदाराना ताल्लुकात कायम करें, सिर्फ़ और सिर्फ अहले ईमान के साथ, और बाकी जो अक़वाम हैं उनके साथ वो गहरे रवाबित और राजदाराना ताल्लुकात कायम नहीं होने चाहिए, उसके नुकसानात होते हैं। पिछले दरस में हमने ये चीज़ें पढ़े। वयकूलुल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान ले आए वो ये कहते हैं, अहाउलाइल्लज़ीना अक़समू बिल्लाहि जहद अईमानिहिम। क्या ये वो लोग हैं कि जिन्होंने कस्में खाई थी अल्लाह की, और पुख्ता कस्में खाई थी अल्लाह के नाम की, बड़ी मज़बूत कस्में खाई थी, इन्नहुम लमअकुम, कि वो तुम्हारे साथ हैं। यानी ये ज़िक्र है मुनाफिकीन का, जब ईमान लेके आए, कलमा ज़ाहरी कलमा पढ़ लिया तो कस्में खा के कहा कि हम तो तुम्हारे साथ हैं, लेकिन फिर जब हकीकत हाल का पता चला तो मालूम ये हुआ कि अंदर खाते तो ये उन लोगों के साथ हैं। कभी कुफार मक्का के साथ मिल जाते हैं, कभी यहूद के साथ मिल जाते हैं, मुशरिकीन के साथ मिल जाते हैं। हबितत आमालुहुम, उनके आमाल ज़ाया हो गए, फअसबहू खासिरीन, और वो खसारा पाने वालों में से हो जाए। जिसने दिल से ईमान कबूल न किया, जिसने ज़ुबान से सिर्फ कलमा पढ़ा, नमाज़ें भी जितनी मर्ज़ी पढ़ता रहे, ईमान वालों के साथ रोज़े भी रखता रहे, दीगर आमाल खैर भी बजा लाता रहे, लेकिन जब दिल में ईमान मौजूद नहीं है और दिल ईमान से खाली है, तो उस ईमान के साथ आमाल की कबूलियत की कोई सूरत नहीं है। ईमान की बुनियाद होगी तो आगे आमाल की इमारत कायम की जा सकेगी, ईमान ही नहीं होगा तो उस मुनाफ़क़त की सूरत में जो आमाल बजा लाएंगे उनके फ़वाद हासिल नहीं होंगे। या अय्युहल्लज़ीन आमनू, ऐ वो लोगो जो ईमान ला चुके हो, मैं यर्तद्दा मिनकुम अन दीनिही, जो शख्स पीछे हट गया तुम में से अपने दीन से, जो शख्स मुर्तद हो गया, दीन छोड़ के भाग गया, पीछे आ गया, दीन इस्लाम को तरक कर दिया, फसौफ यअतिल्लाहु बिकौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, तो अनकरीब अल्लाह ताला ऐसी कौम ले आएगा जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है, वयुहिब्बूनहु, और वो अल्लाह से मोहब्बत करते हों। अगर तुम्हें ईमान कबूल नहीं है
तुम्हारे दिलों के अंदर ईमान राशिख नहीं हो रहा, अल्लाह तबारक व ताला को तुम्हारी कोई ज़रूरत भी नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला के लिए बहुत आसान है कि वो तुम्हें ख़त्म करे और लोगों को ले आए। अल्लाह ताला ने तुम पर अपना करम फरमाया, मेहरबानी फरमाई, तुम्हें आखिरुज़्ज़मान नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की संगत और मैयत नसीब की और उनके हाथ पे इस्लाम लाने की तौफीक अता की और उनकी ज़ुबान मुबारक से कलमा पढ़ने की सआदत नसीब हुई। इसके बावजूद अगर दिलों में ईमान दाखिल नहीं हुआ तो फिर अल्लाह तबारक व ताला वो लोग हुजूर के साथ जोड़ेगा जो अल्लाह को पसंद हैं और जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। और इस्लाम ने देखा कि ये अब्दुल्लाह इब्ने उबई मुनाफिक और इस जैसे दीगर लोग वो किसी खाते में नहीं रहे, उनको निकाल दिया गया। और बाद में अब्दुल्लाह इब्ने उबई की जब वफात होती है तो उस मौके पर फिर बहुत सारे लोगों को ईमान की तौफीक हुई। अल्लाह तबारक व ताला ने इन मुनाफिकीन के बदले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे ऐसे साथी दिए जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जान निशावर करने वाले, और वो ये कहते हैं कि हुजूर आप हुक्म दें तो हम समंदर में छलांगे लगाएं, आप हुक्म दें तो हम अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार हों, और हम आपसे पूछेंगे भी नहीं कि आप हमें ये हुक्म क्यों दे रहे हैं, आप समंदर में छलांग लगाने का हुक्म क्यों दे रहे हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जान निसारान अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, अली अल मुर्तज़ा, इस तरह के कितने सहाबा इकराम हैं, हज़रत अबू तलहा, हज़रत अनस इब्न मालिक, हज़रत अबू हुरैरा, आप देखें एक एक सहाबी को उठा के देखें तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर जान कुर्बान करने के लिए था। सुलह हुदैबिया का जब मौका आया ना तो उधर से मसूद इब्न मसूद सक़फ़ी देखने के लिए आया कि देखो तो सही इनका सूरत हाल क्या है। तो उन्होंने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का मुशाहदा किया तो जाके कुफ्फार को कहा कि तुम कभी भी मुकाबला इनसे नहीं कर सकते, जंग इनसे कभी जीत नहीं सकते। मैंने देखा बहुत बहुत सारे बादशाहों के दरबारों को देखा है, बड़े बड़े सल्तनत के रुआसा को देखा है, लेकिन वो अपने बड़े से, अपने बादशाह से, अपने सरदार से इतनी मोहब्बत नहीं करते जितनी मोहब्बत ये अपने नबी से करते हैं। ये उनके वुजू का पानी ज़मीन पर नहीं गिरने देते, उनका लुआबे दहन उसको ज़मीन पर नहीं गिरने देते, बल्कि अपने हाथ पर लेते हैं और उसको अपने जिस्म पर मल लेते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है कि वो इनको नुकसान पहुँचाने देंगे? नहीं, कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। इसलिए ये तो खरा सौदा है, फरमाया कि ईमान ले आओ बेहतर है, अगर पीछे हट गए तो अल्लाह को कोई मसला नहीं, अल्लाह तबारक व ताला ऐसी कौम ले आएगा, अल्लाह तबारक व ताला उनसे मोहब्बत करता होगा, वो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। अज़िल्लतिन अलल मुमिनीना, मोमिनों पर बड़े नरम दिल होंगे, अइज़्ज़तिन अलल काफिरीना, और काफरों पर सख्त होंगे, मोमिनों के साथ मोहब्बत शफ़क़त प्यार करने वाले और काफरों के साथ वो बड़ा सख्त रवैया रखने वाले होंगे। युजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रस्ते में जिहाद करेंगे, वला यखाफून लौमत लाइम, और किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह नहीं करेंगे, कोई खौफ नहीं उनको किसी मलामत करने वाले की मलामत कर, लोग क्या कहेंगे, अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिल गए लोग क्या कहेंगे, किसी आदमी की किसी बात की उनको कोई परवाह नहीं। उन्होंने हक को देखा और हक के रास्ते को इख्तियार किया और फिर ऐसा इख्तियार किया कि अपनी जान माल सब कुछ कुर्बान कर दी, तन मन धन सब कुछ हुजूर पर निशावर कर दी। ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ, और फिर ये भी याद रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने इस्लाम के साथ तआवुन किया, इस्लाम की मदद की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क़ुरबानी दी है और वो ये समझे कि मेरा कोई एहसान है, मैंने कोई इस्लाम पर एहसान किया, सहाबा इकराम ने तो कभी भी नहीं समझा, लेकिन बाद वाले भी ना समझे, फरमाया ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ, ये अल्लाह का फ़ज़ल है, يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ, जिसको चाहे अता फ़रमाए। अगर हमें इस्लाम की तौफीक है, हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साथ मोहब्बत की तौफीक मिली है और हमें इस्लाम का पटा गले में डालने की तौफीक मिली है, तो ये अल्लाह का फ़ज़ल है, ये उसकी मेहरबानी है। करोड़ों लोग दुनिया में फिर रहे हैं, कोई किसी बुत के सामने झुकता है, कोई किसी जानवर की पूजा कर रहा है, कोई किसी मज़ाहिर फितरत में से किसी की इबादत करता है। हमें जो तौफीक सजदा है, हमें जो तौफीक कलिमा मिली है, हमें जो अल्लाह के सामने झुकने का शरफ और सआदत मिली है, ये महज उसका फ़ज़ल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन रहमत से हम वाबस्ता हैं, ये महज उसकी मेहरबानी है, करम नवाजी है।
واللہ واسع علیم، اللہ تبارک و تعالی وسیع علم والا بھی ہے، اللہ کریم وسیع حکمت والا بھی ہے، اللہ کریم رحمت کی بھی وسعت ہے اس کے پاس، علیم اور سب کچھ جاننے والا ہے، سارے علم اس کے پاس ہیں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارے دوست تمہارے مددگار تو وہ تو اللہ ہے اور رسول ہیں، اللہ تمہارا مددگار ہوگا، ورسولہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مددگار ہوں گے، والذین آمنوا اور ایمان والے تمہارے مددگار ہوں گے۔ تمہیں کسی چیز سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں کسی چیز کے سے خوف زدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، جس کے ساتھ اللہ ہو، اللہ کے رسول ہوں اور ایمان والے جس کے ساتھ ہوں، پھر اسے کیا پریشانی ہو سکتی ہے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، الذین یقیمون الصلاۃ، وہ نماز بھی قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، اور اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے، اللہ کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرنے والے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان کا مددگار ہوگا، رسول اللہ مددگار ہوں گے، ایمان والے اور جن کے یہ اوصاف ہیں جو اللہ کو پسند ہیں وہ صفات ان میں موجود ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اپنا تعلق محبت قائم کرتا ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں کے ساتھ، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو جان لو کہ اللہ کا گروہ ہی غلبہ پانے والا ہے، اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہونے والا ہے۔ تو اس خوف سے کہ میں اگر ایمان لے آیا، ایمان کا اظہار کر دیا، تو میرا کیا بنے گا، اس دور میں میرا کیا ہوگا، تو فرمایا کہ یہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت دکھا دیا کہ جب کافروں کا غلبہ تھا، جو ایمان لے کے آئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں غلبہ عطا فرمایا، جو اللہ کو پسند تھے اور اللہ سے محبت کرنے والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں غلبہ عطا فرمایا۔ تو ان آیات مبارکہ سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ ایمان کی جس طرح زبان سے ہم اظہار کر رہے ہیں، اسی طرح ہمارے دل کے اندر بھی کیفیات موجود ہیں۔ جو نفاق والے منافقین تھے، اللہ معاف فرمائے، توبہ کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کبھی بھی ایسی صورت سے دوچار کرے، اللہ ہمارے دلوں کو بھی ایمان سے منور رکھے اور ہماری زبان کو بھی ایمان کی حرارت ملتی رہے، اور ایمان کے ساتھ ہماری زبان رطب اللسان رہے، اللہ کے ذکر کے ساتھ اور اللہ کے احکام کے بیان کے ساتھ۔ دوسرا، جو ایمان سے اس لیے ہٹ گئے کہ ہمیں دنیاوی طور پر نقصان ہوگا، تو فرمایا کہ وہ پھر اپنا خود ہی محاسبہ کر لیں۔ آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے اسلامی احکام نافذ کر دیے تو ہمارا کیا ہوگا، اگر ہم آج اسلامی قانون کو نافذ کریں گے، اسلام پر عمل کریں گے تو ہمارا کیا ہوگا۔ پوری دنیا کا نظام سود پر چل رہا ہے، ہمارا اگر پاکستان کا نظام سود پر نہیں چلے گا تو کیسے سسٹم چلے گا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو دجال کے فتنوں پر مبنی ہیں، ساری وہ چیزیں ہیں جو شیطان کے جال ہیں اور ہم اس میں بری طرح پھنسے ہوئے ہیں۔ اب ہم ظاہری طور پر تو ہمارے بڑے جو ارباب بست و کشاد ہیں وہ ظاہری طور پر تو انکار نہیں کر سکتے، لیکن عمل بھی نہیں کرتے۔ ہماری پوری ریاست کا انتظام آپ دیکھ لیں، وہ اسی نظام کفر پر قائم ہے۔ آپ صورتحال کا جائزہ لے لیں، اسی طرح ہے۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم جل مجدہ نے جب اسلام کو اس وقت غلبہ عطا فرمایا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ ملے تھے وہ تعداد میں بہت کم تھے، ظاہری ساز و سامان بھی نہیں تھا، غربا اور مساکین کی تعداد بہت زیادہ تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو غلبہ عطا فرمایا۔ تو غلبہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کامیابی اللہ کے گروہ کو ہوگی، اس لیے اللہ کے گروہ میں، حزب اللہ میں شامل ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور حزب اللہ میں کیسے شامل ہوں گے؟ حزب اللہ میں ایمان کی پختگی کے ساتھ، صحابہ اکرام کے طرز پر عمل کرنے کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کرم کو مضبوطی سے تھامنے کے ساتھ، اور عملی طور پر اپنی زندگیوں میں اس نظام کو نافذ کرنے کے ساتھ۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب